इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आप सबसे एक ही गुजारिश है, हम जो हमारे नहीं कर सकते मगर उनको हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो एक थोड़ा सा, जैसे साहब ने कहा जो चपराली था तो हर एक में वो है, हर एक में है और हर एक की जरूरत है, हर एक की जरूरत है। सब मिल गया अगर हम चाहें तो आने वाले 5-10 साल में 100-500 सर्जन, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, वेरी एमिनेंट लॉयर्स, वेरी एमिनेंट टीचर्स को रिक्वायर्ड बिकॉज हम तैयार कर सकेंगे अगर हमारा बात कर रहा हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी कोशिश सालों से ये चली है कि आप अपने गाँव के बच्चों को पढ़ाएं। हमारी मंजिल भी वही है, हमारी सोच भी वही है कि हम भी साहब आए और थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी, ऑन बिहाफ ऑफ द सिटी, ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री कि आप जैसे लोग और कामयाब हो, आपकी सोच और उमदा और ऊंची हो और हम सब की दुआएं आपके साथ में हम कि आप बहुत कुछ कर सको, बहुत कुछ कर सको। यही बात हमें बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि जब हम हॉस्पिटल में जाते थे बच्चे इंक्वायरी करते थे बेड्स के लिए, सिविल छोड़ के और हॉस्पिटल में प्रायोरिटीज बदल चुकी थी। कोई बोलता था अगर नंग पेशेंट लंबा और उतारो और के मदद पे छोड़ो, ये हमारा पेशेंट है, ये हमारे कौन का है, हमको पहला बेड मिलना चाहिए। तो हमारे लोग थोड़े मायूस हो गए थे, बेड्स नहीं मिल रहे थे और एक नीड थी जो अभी आगे चल के पता नहीं ऊपर वाला और कौन सी बीमारी से हमें ध्यान देगा हमारी। उसके पहले आपने जो फैसला लिया है कि हॉस्पिटल का ये राइट टाइम है, क्योंकि हमने देखा है कि हमें बेड्स नहीं मिल रहे थे, परेशानी हो रही थी। अब कम से कम ऐसा होगा तो ये मेरी हॉस्पिटल है, मेरी अपनी है, मैं जाऊंगा यहाँ पे, जैसे मोहन ने कहा कि है अपना तो हम चले जाएंगे, अपने कर्मा वाले हैं और पैसे की मदद होगी हमारी। आपको और एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं और ये वादा करते हैं फिर होता है हम और हमारे फैमिली और अंजुमन इस्लाम के हमारे कम्युनिटी के हम आपके साथ में हैं और जो भी चीज़ आपको लगेगी जो जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ में रहेंगे। यस सर, मैं इस मुबारक दिन पे यहाँ से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सारे हिंदुस्तानियों को और सारे लोगों को कि अस्पताल जाना सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए, प्राइमरी ऑप्शन तो हम खुद अपनी हेल्थ को अच्छी तरह रखें। ये कैसे रख सकते हैं? तो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में बदलाव लाना है, चलना फिरना ज़्यादा करना है, काम करना है, मेहनत करना है, वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, रनिंग, साइकिलिंग। इसी तरह हमने पिछले हफ्ते पुलिस की तरफ से, KSRP की तरफ से एक साइकिलिंग जाथा किया, साइकिलिंग रैली की हमने सुवर्ण विधानसौधा से चन्नम्मा सर्कल को होते हुए KSRP तक वहाँ पर गए। इसका मेन मकसद क्या है कि लोगों में एक अच्छा एटीट्यूड, हेल्थी बिहेवियर, हेल्थी एक्टिविटी लाना ज़रूरी है। देखिए पहले लोग साइकिल चलाया करते थे, वॉकिंग करा करते थे, उस वक्त उनकी हेल्थ अपने आप ठीक रहा करती थी। तो अब हम सिर्फ हर काम के लिए मोटरसाइकिल या कार इस्तेमाल करते हैं या लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है। और खाने पीने के मामलों में भी हमको बहुत सुधरना है, बहुत अच्छे हेल्थी फूड खाना है। ये दो चीज़ों से हम इन बीमारियों से दूर रख सकते हैं। Athenian advocate in Belgaum and I am also secretary of Alumni Progressive Education Society. मुझे ये बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि Alumni आज Belgaum के Alumni जो है आज तकरीबन 12-14 इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और अब हम एक बड़ा कदम उठा रहे हैं मेडिकल कॉलेज की तरफ। उस कदम का पहला कदम हमारा यह है कि हम लोग अपने हॉस्पिटल बनाए जहाँ हमें बुढ़ा ने 12 घंटे जगह दिया है रामतीर्थ नगर पर, और वहाँ जो है हम बहुत जल्द अपना एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल होगा। उस हॉस्पिटल के बाद फौरन हमारा कदम जो है मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहा है।
इसका मकसद यही है कि लोग जो है अफोर्डेबल रेट पर बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल सहूलियत लिया हमारे पास से, एंड दिस सर्विसेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनीबडीज रिलीजन कास्ट एंड क्रीड, ये जो है सर्विसेज जो है तमाम लोगों के लिए खुले हैं, इसके दरवाजे तमाम के लिए हैं, और इसके लिए जो है हम तमाम लोगों से ताउन चाहते हैं, वी वांट सर्टन फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द पीपल एट लार्ज फॉर दिस ग्रेट कॉज, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड देयर आफ्टर ए मेडिकल कॉलेज. थैंक यू वेरी मच. मैं अलमीन फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन का मैं सेक्रेटरी हूँ. हमारे चेयरमैन डॉक्टर जमादार साहब हैं, एम ए जमादार साहब, उनकी जेरे क़यादत में जो है हमारे तमाम रफ़का कमीशन, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, इनके मावनत से जो है हम एक बड़ा हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं. इंशाल्लाह जो है वो सबके लिए होगा, और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट मोटू जो है मेडिकल कॉलेज होगा, वो इंशाल्लाह वो भी हमारा इरादा है. 2019 में पहला बैच हमारा निकले अगर हम इसी रफ्तार से काम करेंगे इंशाल्लाह. 2029 आज 20 है, 29 तक जो है हमारा फर्स्ट बैच निकलने की उम्मीद है अगर अल्लाह ताला हमारा साथ दिया तो. और हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम जो है हमारे कौम और मिल्लत के लोग हमारा हाथ बिठाएं, हमें सपोर्ट करें, बस इतना कहते हैं. फिर अल्लाह पे हमें ज़्यादा भरोसा है.